देख रहे हैं खटपट न्यूज। नमस्कार, खटपट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने सुकमा जिले के नीलावरम ग्राम को करोड़ों की सौगात दी है। बालक आश्रम नीलावरम में मुस्कान पुस्तकालय और सभा कक्ष का कवासी लखमा ने लोकार्पण किया। उन्होंने फीता काटकर बालक आश्रम के छात्रों को आश्रम परिसर में नवनिर्मित अतिरिक्त भवन में रीडिंग कॉर्नर और चर्चा परिचर्चा हेतु सभा कक्ष की सौगात दी। इसके साथ ही उन्होंने नीलावरम ग्राम पंचायत भवन के बाउंड्री वॉल सहित विभिन्न कार्यों का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर लखमा ने नीलावरम में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी क्षेत्र में विकास की पहचान वहां के निर्माण कार्यों, सड़क, तालाब, मंदिर एवं जनता से होती है। ग्रामीण विकास कार्यों के आई तेजी से सुकमा का सर्वांगीण विकास हो रहा है। यहाँ के नौजवान अब पढ़ाई को लेकर ज्यादा सचेत और संकल्पित है, जिसे पूर्ण करने के लिए मंत्री लखमा ने आगामी वर्षों में नीलावरम में हाई स्कूल खोलने का आश्वासन भी दिया। मंत्री लखमा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सुगम आवागमन के लिए गुणवत्तापूर्ण सड़क, आम जनजीवन के लिए बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और पीने के लिए स्वच्छ पेयजल की आवश्यकता होती है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन गंभीरता से लेते हुए ग्रामीणों इलाकों में सड़क निर्माण, पुल पुलिया निर्माण, हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है। बहुत प्रसिद्ध मेला नारायणपुर, नारायणपुर का मेला पूरे देश में प्रसिद्ध है अबुझमाड़ के, उनका समापन किया। उसके बाद हमारे नीलावरम मड़कम बीमा का गांव है, बहुत दिन के बाद नहीं आया था। पंचायत राज सम्मेलन के माध्यम से एक स्कूल भवन का उद्घाटन था, कांग्रेस पंचायत भवन का बाउंड्री वॉल का उद्घाटन था विधायक निधि के मध्य से, और यहाँ अनेकों काम का भूमि पूजन उद्घाटन करने आया हूँ। और यहाँ के लोग विधानसभा के चुनाव के समय कुछ नाराज हो के दूसरा पार्टी में गए थे, सब आज पार्टी में ज्वाइन किया, उनको बधाई देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज, रायपुर।